देखिए बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.8। एक्सरसाइज 7.8 क्लास 12th एनसीईआरटी कोर्स। ठीक है बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट है लिमिट ए टू बी एक्स डी एक्स। बेटा ये जो बी है वो हमारी अपर लिमिट है और जो एक्स है ये हमारी लोअर लिमिट है, और एक्स डी एक्स। देखिए बेटा, इसको किस प्रकार करेंगे, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है एन एच बराबर होता है बी माइनस ए। एन एच इक्वल टू क्या होता है, बी माइनस ए, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है बेटा, अब देखिए ये जो हमारा फलन है, जो फंक्शन है बेटा, वो हमारा वो क्या है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स। अब हम सिमिलरली एफ ए इजिकल टू क्या कह सकते हैं, एफ ए प्लस एच है, उसे क्या कहेंगे बेटा, ए प्लस एच। अब देखिए ए टू बी एक्स डी एक्स इजिकल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एच एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच डेट डेट डैश प्लस एफ क्या एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। देखिए फर्स्ट फंक्शन में क्या है, ए एफ ए, फिर क्या हो रहा है, ए प्लस एच, फिर ए प्लस टू एच, इसी प्रकार चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच तक। ठीक है बेटा, अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एच जो एफ ए है वो क्या हमारा बेटा, ए क्या बेटा, ए। अब ए एफ ए प्लस एच है वो क्या है हमारा, ए प्लस एच, इसी प्रकार चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है बेटा, अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, अब ए ए देखिए ए है ना, ये हर टर्म में आएगा, हर टर्म में प्लस ए है। ठीक है बेटा, तो ये कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, एन तक, तो ये हो जाएगा ए एन ए एन। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, एच, फिर हो रहा है टू एच, फिर हो रहा है थ्री एच। देखिए तो इसमें से एच कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, या वन प्लस, यहाँ ए प्लस टू एच होता था तो यहाँ एच कॉमन ले लिया तो टू हो जाएगा, फिर हो जाएगा थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा, एन माइनस वन। भाई एच तो हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है बेटा, और जो ए ए वाला था, ए वाला हमने ऐड कर लिया और कहाँ तक जा रहा था, एन तक। देखिए मैं बताऊँ आपको, अब जैसे ए प्लस ए प्लस ए ये हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, एन तक, तो ए यहाँ से कॉमन ले लें तो वन प्लस वन प्लस वन यही तो हुआ एन तक। अब भाई ए और वन प्लस वन प्लस वन एन तक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे, ए एन, तो ये यहाँ पर ए एन कर दिया। और जो एच वाला पार्ट था वो हमने देखिए, एच वाला क्या चल रहा था कि एच प्लस टू एच प्लस थ्री एच डॉट 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 एन माइनस वन इंटू एच, बेटा एच कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, वन प्लस यहाँ क्या बचेगा, टू, इस प्रकार यहाँ क्या बचेगा, एन माइनस वन। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ तक आ गया। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एच ए एन प्लस एच, अब देखिए वन प्लस टू प्लस थ्री और ये एन तक जाता है, एन तक जाता है, तो देख ये क्या बन जाएगा, एन एन माइनस वन अपॉन टू, एन एन माइनस वन अपॉन टू। ठीक है बेटा, देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एच का इसमें भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो एच एच से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एच एन ए प्लस, ये एच है ना, ये एच है, ये इस एच के साथ तो ये एच एन हो गया। ठीक है, और ये वाली जो एच है इसका भीतर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा एच एन माइनस एच अपॉन टू। ठीक है, अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब देखिए जो एच एन थी
एच एन थी ये, और ये एच एन की वैल्यू क्या है बेटा हमारी बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो यहाँ एच एन की जगह क्या रख देंगे बेटा बी माइनस ए, बी माइनस ए। अब देखिए प्लस ये एच एन है यहाँ कर देंगे बेटा बी माइनस ए, यहाँ एच एन है यहाँ पर भी क्या कर देंगे बी माइनस ए, और एच सिमिलरली लिख देंगे बेटा ठीक है बटे टू। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू क्या है हमारी जीरो, क्या है ये अब इसे हम ओपन करते हैं। देखिए तो बी माइनस ए इंटू ए, इसे सिमिलर लिख देंगे बी माइनस ए इंटू ए। भाई बी माइनस ए इंटू ए, इसमें एच नहीं है, एच नहीं है तो यहाँ पर एच की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। अब देखिए ये बी माइनस ए इंटू ए हो गया, अब क्या आ गया प्लस, देखिए क्या आ गया प्लस, ये प्लस आ गया ठीक है। अब देखिए अब क्या है बी माइनस ए, बी माइनस ए, तो ये बी माइनस ए आ गया ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें क्या बचेगा बी माइनस ए माइनस एच, एच का मान जीरो है, जब बी माइनस ए में से जीरो जाएगा तो बेटा बी माइनस ए ही तो बचेगा, बी माइनस ए माइनस एच की वैल्यू जीरो, जब बी माइनस ए में से जीरो जाएगा तो क्या बचेगा बी माइनस ए, बी माइनस ए अपॉन टू, अपॉन टू। अब देखिए बी माइनस ए ऊपर से कॉमन लेते हैं दोनों में से, बी माइनस ए इसमें से और बी माइनस ए इसमें से, तो बी माइनस ए कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा ए, और बी माइनस ए कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा बी माइनस ए अपॉन टू, अपॉन टू। अब देखिए बी माइनस ए, अब टू का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टू ए प्लस बी माइनस ए अपॉन क्या आ जाएगा टू ठीक है। अब देखिए बी माइनस ए, अब टू ए में से ए जाएगा तो क्या बचेगा ए बचेगा, लेकिन ये बी ए सिमिलर लिख दो, और टू ए में से ए गया तो क्या बचेगा ए अपॉन टू, अपॉन टू। अब देखिए ये b माइनस ए और ये b प्लस ए है, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर और अपॉन में टू, बेटा यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, देखिए हमारा जो फंक्शन था वो x dx था, इसमें जो फॉर्मूला होता है एन एच इक्वल टू बी माइनस ए, बी होती है हमारी बेटा अपर लिमिट जो ये वाली, और ए होती है हमारी लोअर लिमिट। अब जो फंक्शन था एफ एक्स था वो क्या था हमारा x, अच्छा अब एफ ए होगा तो वो ए हो जाएगा, एफ ए प्लस एच होगा तो वो ए प्लस एच हो जाएगा। तो ए ए टू बी एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये इसमें कंडीशन फॉलो करनी होती है लिमिट एच टेंस टू जीरो एच एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच ठीक है बेटा। अब ये एच था तो एफ ऑफ ए ये वैल्यू क्या थी हमारी ए, एफ ऑफ ए प्लस एच है तो ये क्या जाएगा ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच है तो यहाँ पे ए प्लस टू एच आ जाता, लेकिन मैंने डॉट डॉट में करते हुए फिर लास्ट वाला टर्म लिख दिया। अब देखिए a प्लस हर टर्म में आ रहा था, कहाँ तक जा रहा है n तक, तो ये a n हो गया। अब h वाला क्या था h 1h प्लस 2h प्लस 3h प्लस ऐसे आ रहा था, और n माइनस वन h तक जा रहा था, h कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 n माइनस वन हो गया। अब h और 1 प्लस 2 प्लस 3 और ये n माइनस वन, तो इसका आ जाएगा n n माइनस वन अपॉन टू। फिर क्या था देखिए h क्या मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो h n a हो गया है, और ये एच एन तो ये साथ में थी, जो ये वाली एच है ना इसके साथ मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एच एन माइनस एच हो गया, बस उसी के अकॉर्डिंग में करता चला गया ठीक है बेटा। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था। अब देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा हमारा, क्वेश्चन सेकंड है हमारा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 to 5 एक्स प्लस वन डी एक्स, 0 to 5 एक्स प्लस वन डी एक्स। देखिए बेटा वही चीज, पहले हम इसमें एन एच की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा एन एच की, एन एच इज इक्वल टू क्या होता है बी माइनस ए, बी माइनस ए, तो एन एच इज इक्वल टू बी क्या होती है बेटा हमारी वो अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट क्या है हमारी 5 माइनस, अब लोअर लिमिट क्या है हमारी 0, तो एन एच इक्वल टू हो जाएगा 5 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 5, तो हम कह सकते हैं कि एन एच इक्वल टू क्या है हमारी 5 ठीक है बेटा। अब एन एच की वैल्यू आते ही तुरंत हम फंक्शन की तरफ जाएंगे, जो एफ एक्स की वैल्यू है बेटा वो हमारी है, फंक्शन क्या हमारा एक्स प्लस वन, फंक्शन क्या हमारा एक्स प्लस वन। अब देखिए एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो बस एक्स की जगह ए रख देंगे ए प्लस वन, अच्छा एफ
ऑफ ए प्लस एच क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस एच प्लस में वन, ठीक है बेटा। अब ए और ए प्लस टू एच क्या हो जाएगा, तो ए प्लस टू एच प्लस वन, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा ए प्लस टू एच प्लस वन। अब देखिए जीरो जीरो टू फाइव एक्स प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए किसमें अप्लाइड करेंगे, देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एच एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस टू एच डॉट 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 डॉट। अब कहाँ तक जाएगा बेटा, ये हमारा, ये हमारा जाएगा प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच तक, ठीक है बेटा। अब देखिए अब क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब देखिए एच एफ ए ये आ रहा है ना, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है बेटा हमारी, वो है हमारी ए प्लस वन, क्या हमारी ए प्लस वन। अच्छा एफ ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस एच की वैल्यू क्या हमारी ए प्लस एच प्लस वन, ए प्लस एच प्लस वन। अच्छा एफ ऑफ ए प्लस टू एच, तो ए प्लस टू एच प्लस वन, ए प्लस टू एच प्लस वन। अच्छा अभी इसकी क्या आएगी बेटा, तो इसकी क्या आएगी कि ए डॉट 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 प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच प्लस वन, ठीक है। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, अब देखिए अब ये वन वन, ये वाला वन वन जो ऐड हो रहा है वो हर टर्म में हो रहा है, ये इसमें भी इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, सभी में हो रहा है ना टर्म ऐड। तो देखिए ये हो जाएगा एन, क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या होता है कि वन प्लस वन प्लस वन डॉट 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 जब एन तक जाता है तो ये एन होता है, क्या होता है बेटा एन। तो ये वाला जो वन है ना, ये हर टर्म मिल रहा है वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, तो ये एन हो गया प्लस। अब देखिए अब ये ए, ए भी हर टर्म मिल रहा है ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ये हो जाएगा ए एन, क्या हो जाएगा बेटा ए एन। अब देखिए प्लस, अब ये एच वाला देखते हैं बेटा, एच मतलब वन एच टू एच फिर थ्री एच, ये होता जाएगा देखिए इस प्रकार, मतलब वन एच प्लस टू एच प्लस थ्री एच प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस वन इंटू एच। बेटा एच कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 एन माइनस वन, ठीक है बेटा यही तो बनेगा। अब एच और ये वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट डॉट जा रहा है और एन माइनस वन तक जा रहा है, तो ये हो जाएगा एन एन माइनस वन अपॉन टू, एन एन माइनस वन अपॉन टू। अब देखिए तो मैं कह सकता हूँ एच प्लस टू एच प्लस थ्री एच, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, एच एन एन माइनस वन अपॉन टू, एच एन और एन माइनस वन अपॉन टू, ठीक है बेटा। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, एच का इसमें अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर इसके मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा एच एन प्लस, ये क्या हो जाएगा ए एच एन, क्योंकि एच का इस टर्म में मल्टीप्लाई कर लिया, अब एच का इसमें भी करेंगे तो ये हो जाएगा ए एच एन प्लस। अब देखिए एच एन तो यहाँ है ही, इस वाली एच का इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए एच एन तो ये वाला आ गया, ये वाला एच एन आ गई इंटू इस वाली एच की इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ब्रैकेट एच एन माइनस एच अपॉन टू अपॉन टू। अब देखिए जो हमारी एच एन की वैल्यू है, जो एच एन या एन एच बात एक ही है क्योंकि ये मल्टीपल के साथ है, जो उसकी वैल्यू क्या है बेटा हमारी, वो फाइव है, क्या है हमारी फाइव। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच तो साथ में थी, एच एन की वैल्यू फाइव प्लस फाइव
प्लस, अब देखिए ए एच एन, ए की जो वैल्यू है होती है, ए की वैल्यू क्या थी हमारी, ए हमारी लोअर लिमिट, ये ए की वैल्यू होती है बेटा, और ये अपर लिमिट होती है, ये हमारी बी की वैल्यू होती है। अब ए एच एन, ए की वैल्यू जीरो मल्टीप्लाई एच एन की वैल्यू क्या बेटा हमारी फाइव, प्लस एच एन ये हो गया फाइव ब्रैकेट, ये एच एन ये हो गया फाइव माइनस एच अपॉन टू। देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, देखिए कहाँ चल रहे हैं, ये चल रहे हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, अब फाइव है ना, फाइव फाइव है ना, ये वाला फाइव, तो ये वाला फाइव लिख दिया बेटा, प्लस ये वाला प्लस, और जीरो का मल्टीप्लाई फाइव से करें तो क्या हो जाएगा जीरो प्लस, अब ये क्या है फाइव, फाइव माइनस एच अपॉन टू, फाइव और फाइव माइनस एच अपॉन टू, ठीक है बेटा। अब देखिए अब लिमिट क्या है हमारी एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू क्या है जीरो, सॉरी यहाँ पे एच का तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू क्या है जीरो, तो लिमिट एच की जगह हम क्या रखेंगे जीरो, तो फाइव प्लस जीरो ये हो जाएगा फाइव, फाइव प्लस जीरो क्या हो जाएगा फाइव, प्लस फाइव ये वाला फाइव प्लस जीरो ये तो आया फाइव, ये वाला प्लस, अब ये वाला फाइव, और फाइव माइनस एच की जगह क्या बेटा जीरो अपॉन टू। अब देखिए फाइव प्लस फाइव मल्टीप्लाई फाइव में जीरो जाएगा तो क्या बचेगा फाइव अपॉन टू, फाइव प्लस फाइव मल्टीप्लाई फाइव ट्वेंटी फाइव अपॉन टू, और देखिए टू फाइव जा टेन, और टेन में ट्वेंटी फाइव जोड़ेंगे तो ये जाएगा थर्टी फाइव अपॉन टू। बेटा यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्या जाएगा बेटा यही हमारा आंसर आ जाएगा, ये वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था जीरो टू फाइव, जीरो टू फाइव एक्स प्लस वन डी एक्स, ठीक है बेटा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है टू टेंस टू थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले हम वही एन एच की वैल्यू निकालेंगे, एन एच, एन एच इज इक्वल टू क्या होता है बी माइनस ए, बी क्या होती है हमारी अपर लिमिट और ए होती है हमारी लोअर लिमिट, तो एन एच इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू क्या हमारी बेटा थ्री माइनस ए की वैल्यू है टू, तो एन एच इक्वल टू थ्री में से टू मतलब वन, तो एन एच की वैल्यू क्या होगी बेटा वन। अब चलते हैं फंक्शन, फंक्शन क्या हमारा एफ एक्स, एफ एक्स क्या हमारा एक्स स्क्वायर, फंक्शन क्या हमारा एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, लेकिन बेटा जो हमारी ए की वैल्यू है ये लोअर लिमिट होती है तो ये ए की वैल्यू होती है, ये अपर लिमिट है तो ये हमारी बी की वैल्यू है, तो ए स्क्वायर है तो हम इसे क्या कहेंगे टू का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब एफ ए प्लस एच, तो ए प्लस एच का होल स्क्वायर होगा, लेकिन ए की वैल्यू क्या हमारी टू प्लस एच, टू प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखिए एफ ऑफ ए प्लस टू एच, तो देखिए तो ये हो जाएगा ए प्लस टू एच का होल स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या हमारी टू, टू प्लस टू एच का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखिए हम इसी प्रकार चलते जाएंगे, अब देखिए टू थ्री, टू टू थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस ए एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच प्लस डॉट 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 एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ठीक है ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए बेटे क्या है हमारी टू स्क्वायर, टू का स्क्वायर,
एफ ऑफ ए प्लस एच, ये हमारा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखिए एफ ऑफ ए प्लस टू एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच क्या है हमारा 2 प्लस टू एच का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए प्लस ए, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस एच, तो ए की वैल्यू क्या हमारी 2 प्लस एन माइनस वन इंटू एच का होल स्क्वायर, इसका भी क्या बेटा होल स्क्वायर। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अब इसका खोलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए जब हम अब इसका ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब देखिए इसका ओपन करेंगे, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा हमारा बेटा b, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या हमारी n माइनस वन का होल स्क्वायर और h का होल स्क्वायर, प्लस ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4h और n माइनस वन, ठीक है बेटा। अब देखिए लिमिट h टेंस टू जीरो एच, अब देखिए 4 हमारे पास ये टर्म था, ये वाला टर्म था और ये डॉट 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 ये वाला जो लास्ट वाला टर्म था, ठीक है बेटा यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी 4 आया, यहाँ पर भी 4 आया, यहाँ पर भी 4 आया, यहाँ पर भी 4 आया और यहाँ पर भी 4 आया, ये वाला जो लास्ट टर्म था ना डेड डेड एस वाला, यहाँ से तो सभी में 4 आया तो 4 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4n, क्या हो जाएगा 4n, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो सभी में 4 4 आ रहा है तो ये हो जाएगा 4n, ठीक है बेटा। अब देखिए अब हम करते हैं h वाला कौन है 4h प्लस 8h, फिर आगे 12h आएगा, ठीक है बेटा। देखिए कैसे आया 4h प्लस 8h प्लस 12h, ठीक है बेटा, प्लस डॉट डॉट डॉट, और देखिए ये जो h वाला है ये रहा 4n माइनस 1 इंटू एच, तो प्लस 4n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। अब देखिए h कॉमन लेते हैं, h क्या लेते हैं कॉमन, और 4 को भी ले लो, ठीक है बेटा। यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या बचेगा बेटा n माइनस 1, यही तो बचेगा प्लस n माइनस 1। अब देखिए 4h, अब 1 प्लस 2 प्लस 3 ये जा रहा है तो ये इसका क्या फॉर्मूला होता है n माइनस 1 अपॉन 2, यही तो होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n माइनस 1, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n माइनस 1 अपॉन 2। तो देखिए अभी तो जो सिंगल 4 थे तो ये इसका हो गया 4n, अब जो 4h प्लस 8h प्लस 12h ये आ रहा था h वाला, कौन सा मल्टीपल h वाला, तो इसके लिए हमने क्या निकाला 4h और n माइनस 1 अपॉन 2 n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस। अब देखिए अब हम देखेंगे, ये देखिए 4 वाला हो गया और h वाला मल्टीपल हो गया, अब रह गया है h स्क्वायर वाला, कौन सा बेटा h स्क्वायर वाला। देखिए h स्क्वायर के साथ 1 है ना, तो 1h स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या 4h स्क्वायर। अब प्लस इसी प्रकार आगे क्या आएगा 9h स्क्वायर, क्या आएगा 9h स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। अब इसमें क्या आया है n माइनस 1 का होल स्क्वायर और h स्क्वायर, प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर और h स्क्वायर। देखिए बेटा h स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया तो बचेगा 1, इसे 1 का स्क्वायर कह सकते हैं, अब ये बच रहा है 4 तो इसे हम 2 का स्क्वायर कह सकते हैं, ये 9 तो इसे 3 का स्क्वायर कह सकते हैं प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस एच स्क्वायर कॉमन ले लिया ये बचेगा एन माइनस 1 का होल स्क्वायर बेटा। अब एच स्क्वायर, अब देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर वाला होता है तो 1 अपॉन 6 एन
एन माइनस वन और टू एन माइनस वन, ठीक है बेटा। क्या होता है एन एन माइनस वन और टू एन माइनस वन। तो बेटा जो एच स्क्वायर के साथ है जो वन फोर नाइन और यहाँ ये बन रहा है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं ना एच स्क्वायर वन अपॉन सिक्स एन और एन माइनस वन टू एन माइनस वन। तो देखिए एच स्क्वायर है और एन, एच स्क्वायर और एन, और क्या एन माइनस वन और टू एन माइनस वन, एन माइनस वन और टू एन माइनस वन अपॉन सिक्स अपॉन सिक्स, ठीक है बेटा। अब देखिए अब हमें आगे किस प्रकार करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब एच है ना एच का भीतर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा फोर एच एन, ठीक है बेटा, प्लस अब ये फोर एच एन, अब एच का मल्टीप्लाई इससे हुआ है, अब एच का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा। देखिए फोर एच एन तो सिमिलरली लिख दो और जो एच का मल्टीप्लाई इसके साथ ब्रैकेट वाले के साथ कर दो, तो ब्रैकेट वाले के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा एच एन माइनस एच अपॉन टू प्लस, आ देखिए यहाँ एच स्क्वायर है और एक एच यहाँ से आती है तो ये हो जाएगा एच क्यू, तो एच का ये इसके साथ भी एक एक एच का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक एच का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक एच का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो एन के साथ तो एक एच का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये एन माइनस वन है और यहाँ एक एच का, तो ये हो गया एक एच का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एच एन माइनस एच, एच एन माइनस एच। अब देखिए सेकेंड ब्रैकेट में ये जो एच ये आ रही है ना, यहाँ एच क्यू हो रहा था तो एच का एक एन के साथ हो गया, एक एच का एन माइनस वन के साथ हो गया, अब एक एच का करेंगे टू एन माइनस वन के साथ, तो टू एच एन माइनस एच का मल्टीप्लाई हो गया माइनस एच का वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच अपॉन सिक्स अपॉन सिक्स। अब देखिए अब एच एन की वैल्यू क्या थी बेटा हमारी, एच एन की वैल्यू थी हमारी या एन एच की वैल्यू क्या थी वो हमारी वन थी, क्या थी वन, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, तो एच एन की मल्टीप्लाई वन करेंगे तो ये हो जाएगा फोर, फोर मल्टीप्लाई वन फोर ही हो जाएगा। अब देखिए एच एन के वैल्यू वन और वन का मल्टीप्लाई करेंगे फोर, तो ये फोर हो गया, फोर हो गया फोर। अब देखिए एच एन की वैल्यू क्या है वन माइनस एच अपॉन टू प्लस, अब देखिए एच एन, एच एन की वैल्यू क्या है वन और वन माइनस एच, एच एन की वैल्यू वही वन माइनस एच ब्रैकेट में, एच एन की वैल्यू क्या है वन है ना और वन का मल्टीप्लाई टू से करेंगे तो हो जाएगा टू माइनस एच अपॉन सिक्स अपॉन सिक्स। अब देखिए अब यहां करेंगे, देखिए ये टू से फोर टू बार कट गए, ठीक है। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो है ना, तो एच की जगह पर जीरो रखते हैं, अब जीरो रखते हैं तो क्या बनता है, देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो है तो एच की जगह पर जीरो रखेंगे तो ये फोर, तो ये फोर वाले फोर आ गए प्लस, अब टू से फोर टू बार कट गए ना तो टू वन माइनस एच की जगह पर क्या रखेंगे बेटा जीरो प्लस, अब वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा वन माइनस एच टू माइनस एच। अब देखिए वन माइनस एच की जगह पर जीरो और टू माइनस एच एच की जगह पर जीरो अपॉन में क्या था बेटा सिक्स, क्या था सिक्स। अब देखिए फोर प्लस वन में से जाएगा जीरो तो वन बचेगा और वन का मल्टीप्लाई टू से करेंगे तो क्या आ जाएगा टू। अब देखिए वन में से जीरो जाएगा तो वन और टू में से जीरो जाएगा तो टू और वन का मल्टीप्लाई टू से करेंगे तो यह आ जाएगा टू अपॉन सिक्स, टू वन जा टू और टू थ्री जा सिक्स, ठीक है। अब देखिए फोर और टू के आ जाएंगे बेटा सिक्स, सिक्स प्लस वन अपॉन थ्री और थ्री सिक्स जाए एटीन, एटीन और वन नाइनटीन, नाइनटीन अपॉन थ्री, बेटा यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन आप प्लीज़ समझने की कोशिश करना, समझ में अच्छे से आ जाएगा। कुछ नहीं था, लोअर लिमिट टू थी अपर लिमिट थ्री थी, एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एन एच की वैल्यू निकालेंगे, एन एच इज इक्वल टू क्या होता है बी माइनस ए, तो बी की वैल्यू थ्री माइनस ए की वैल्यू टू और थ्री में से टू जाएगा तो वन, एन एच की वैल्यू वन आ गई। फंक्शन हमारा था एक्स स्क्वायर, बेटा क्या था हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एफ ऑफ ए निकालेंगे तो ए स्क्वायर, लेकिन ए की वैल्यू क्या लोअर लिमिट क्या हमारी बेटा टू, तो ये टू स्क्वायर हो जाएगा। अब एफ ऑफ ए प्लस एच है तो ए प्लस एच का होल स्क्वायर, लेकिन ए की वैल्यू क्या हमारी बेटा टू, तो टू प्लस एच का होल स्क्वायर। अब सिमिलरली इस प्रकार करते गए, अब देखिए लिमिट एच टू जीरो एफ अपॉन एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, तो यहाँ और डॉट डॉट डस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच,
देखिए f ऑफ a क्या था हमारा, ए स्क्वायर, एक स्क्वायर ये टू स्क्वायर हो गया क्योंकि a की वैल्यू टू थी, तो यहाँ टू स्क्वायर टू प्लस एच का होल स्क्वायर ये करता है। देखिए ये टू का स्क्वायर फोर, और ये मैंने ओपन कर दिए, फिर इसका मैंने कॉम्बिनेशन किया, फोर फोर बन रही थे, फोर प्लस फोर प्लस फोर ये हो गया फोर एन, ठीक है। अब फिर मैंने h वाले देखे, तो h वाले थे, एच वाला कंडीशन ये बन रही थी, फोर एच प्लस एट एच प्लस ट्वेल्व एच प्लस फोर एन माइनस वन टू एच। अब फोर कॉमन ले लिया, फोर एच कॉमन लिया, तो वन प्लस टू प्लस थ्री एन माइनस वन गया, तो ये हो गया फोर एच, तो बाहर आ गया वन प्लस टू प्लस थ्री, ये हो गया एन एन माइनस वन अपॉन टू। तो बेटा यहाँ पे मैंने लिख दिया फोर एच एन माइनस वन अपॉन टू। इसी प्रकार स्क्वायर बन, स्क्वायर एच स्क्वायर था तो एच स्क्वायर, और स्क्वायर बराबर बन रहा था तो एन एन माइनस वन और टू एन माइनस वन अपॉन सिक्स ये रख दिया। इसके बाद आगे मैंने वैल्यू पुटअप कर दी, वैल्यू फिर एच एन की वैल्यू रख दी वन, बट आगे चल के एक लिमिट एच टेंस टू जीरो था, तो बेटा एच टेंस टू जीरो रख दिया, जीरो रखने के बाद में यहाँ चले आए और यहाँ पर बेटा ये सॉल्व होता है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन था थर्ड, कौन सा क्वेश्चन था थर्ड, आप नोट करते जाना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। देखिए बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है हमारा, देखिए वेट, वन टू फोर, वन टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है बेटा। देखिए इसमें क्या है कि ए की वैल्यू क्या है वन, ए की वैल्यू क्या है वन, बी की वैल्यू क्या है हमारी फोर, जो ए होती है वो ये जो वन होती है ये वाली ए की वैल्यू होती है, और ए होती है लोअर लिमिट, कौन सी लिमिट होती है बेटा लोअर लिमिट, और जो फोर है ये हमारी बी की वैल्यू, और जो बी की वैल्यू होती है वो होती है हमारी बेटा अपर लिमिट। देखिए अब यहाँ से हम एन एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो एन एच बराबर होता है वो होता है बी माइनस ए, अब एन एच बराबर बी की वैल्यू क्या है फोर माइनस ए की वैल्यू क्या है वन, और एन एच इजिकल टू फोर में से बन जाएगा बेटा ये बचेगा थ्री, ठीक है बेटा। अब देखिए एन एच इजिकल टू क्या आ गया हमारा थ्री, अब फलन क्या है हमारा, जो फंक्शन है क्या है, जो हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ से हम एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए, और ए की वैल्यू क्या हमारी वन, वन का स्क्वायर मतलब वन इक्वल टू जीरो, तो एफ ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी वो बेटा क्या आएगी जीरो, ठीक है बेटा। अब निकालते हैं हम एफ ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस एच, अब देखिए ये क्या है ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ए प्लस एच। अब देखिए ए की वैल्यू क्या हमारी वन, ए की वैल्यू क्या हमारी वन, तो वन प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस एच, वन प्लस एच, ठीक है बेटा। अब एफ ऑफ ए प्लस टू एच की वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस टू एच का होल स्क्वायर माइनस a प्लस टू एच। देखिए a की वैल्यू क्या हमारी वन, a की वैल्यू क्या हमारी वन है, तो यह क्या हो जाएगा वन प्लस टू एच का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एच, ये आ गई हमारी f ऑफ a प्लस टू एच। अब देखिए बेटा अब वैल्यू निकालेंगे f ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, तो क्या हो जाएगा देखिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ठीक है। अब देखिए जो ए की वैल्यू क्या हमारी वन है, तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस एन माइनस वन इंटू एच का होल स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू क्या वन प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ठीक है बेटा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, यहाँ से हमने एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच और एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस एच की वैल्यू निकाल दी है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा लिमिट वन टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एच क्या हमारा एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच प्लस डॉट डॉट
एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच इंटू एच, ठीक है। ये क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, जो एफ ऑफ ए की वैल्यू है बेटा वो क्या हमारी जीरो, क्या बेटा जीरो। एफ ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस एच, ए प्लस एच की वैल्यू क्या हमारी ये, मतलब वन प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस एच, ठीक है बेटा। अब आते हैं एफ ऑफ ए प्लस टू एच, तो एफ ऑफ ए प्लस टू एच इसकी वैल्यू क्या है, वन प्लस टू एच का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एच का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एच, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए प्लस, अब क्या है एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, तो एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच की जगह क्या रख देंगे बेटा कि वन प्लस एन माइनस वन इंटू एच का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ठीक है। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, ये तो जीरो हो गया, जीरो में जोड़ेंगे तो जीरो हो गया। अब ये वन प्लस एच का होल स्क्वायर खोलते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, अभी हो जाएगा माइनस के वन और माइनस के एच, ठीक है। माइनस इस ब्रैकेट को खोल दिया, अब देखिए अब इसको खोलते हैं प्लस, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और माइनस का वन माइनस का टू एच, प्लस डॉट 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 प्लस। अब इसे खोलते हैं वन प्लस एन माइनस वन और एच का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर ए की वैल्यू वन और बी ये रहा, तो एन माइनस वन का एन माइनस वन इंटू एच का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए प्लस टू ए बी, तो टू एन माइनस वन इंटू एच। अब देखिए इसे इस ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो माइनस का वन और माइनस का एन माइनस वन इंटू एच, ठीक है। अब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये जा रही है लाइन और ये वाली है, ठीक है बेटा। देखिए वन प्लस का था ये माइनस का, ये कट जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए ये वन प्लस का था ये माइनस का, ये कट जाएगा, टू एच प्लस का था टू एच माइनस का, ये कट जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें क्या बचेगा, लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब हम देखते हैं एच स्क्वायर वाला पोर्शन, तो वन एच स्क्वायर फोर एच स्क्वायर और एन माइनस वन का एन माइनस वन इंटू एच का स्क्वायर, सीधा सीधा एच जो स्क्वायर वाला पोर्शन है वो बन रहा है, मतलब वन एच स्क्वायर। देखिए यहां समझ लीजिएगा, वन एच स्क्वायर प्लस फिर क्या बन रहा है हमारा, फोर एच स्क्वायर, फोर एच स्क्वायर बन रहा है ना, फोर एच स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे चल के ये बन रहा है एन माइनस वन इंटू एच का होल स्क्वायर, ये बनेगा, मतलब ये वन स्क्वायर फोर स्क्वायर फिर नाइन स्क्वायर बनेगा, है ना। एच स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ये क्या बचेगा, वन प्लस फोर प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस वन। अब देखिए ये वन है ना, ये वन का स्क्वायर हो गया, फोर है ये टू का स्क्वायर आएगा, आगे जाके नाइन आएगा तो ये थ्री का स्क्वायर आ जाएगा, तो वही बन रहा है ना, एच स्क्वायर इज इक्वल टू वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट और एन माइनस वन का होल स्क्वायर। देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर तो सिमिलरली ये स्क्वायर वाला पोर्शन बन रहा है, तो एन और एन माइनस वन टू एन माइनस वन अपॉन सिक्स, ठीक है, ये वाला बन जाएगा। अब देखिए ये स्क्वायर वाला हो गया भाई, वन से तो वन से कटता चला गया, ठीक है, स्क्वायर वाला ये हो गया। अब आते हैं एच पर, एच फोर एच फोर एच और आगे खोलेंगे इसको तो ये टू एच आएगा, फोर एच में से इस एच को जाएगा तो ये थ्री एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थ्री एच थ्री एच। अब देखिए माइनस वन से ये भी माइनस कट रहा है, कट रहा है ना, तो आगे चल के यही बनेगा, देखिए क्या बनेगा, वन एच प्लस टू एच प्लस थ्री एच और प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस वन इंटू एच, एच बेटा कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 एन माइनस वन,
देखिए h और ये बन जाएगा h n n माइनस वन अपॉन टू, ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब देखिए लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो। अब देखिए ये h है, ये वाली h आ गई। ठीक है, अब स्क्वायर वाला, स्क्वायर वाला क्या बन रहा था, h स्क्वायर n n माइनस वन। देखिए h स्क्वायर n n माइनस वन टू एन माइनस वन अपॉन सिक्स अपॉन सिक्स। अब देखिए वन एच टू एच वाला क्या बन रहा था, एच एन और एन माइनस वन अपॉन टू, यही तो बन रहा था। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच ये बनाया। अब इस एच का इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो एच का यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और एच का यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ करते हैं, देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखिए एच स्क्वायर यहाँ पर है ना, अगर एच का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एच क्यू हो जाएगा, तो एच का इस एन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एक एच का, एक एच का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और एक एच का इस वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए एक एच का एन के साथ करते हैं, ये हो गया एन एच, एन एच। ठीक है, ब्रैकेट में एक एच का एन माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, एन एच माइनस एच। ठीक है, एक एच का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो टू एन एच माइनस एच, टू एन एच माइनस एच अपॉन सिक्स अपॉन सिक्स प्लस। अब देखिए बेटा जो एच पे दो थी, एक एच और आती है तो यहाँ तीन हो जाएंगी, तो इस एन के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसके इसके साथ भी हो गया, इस वाले ब्रैकेट के साथ ये हो गया एच एन माइनस एच और ये हो गया टू एच एन माइनस एच। अब देखिए ये इस वाली एच का इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो एक एच का तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वाले एच का इस वाले ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए एच एन और एच एन माइनस एच, भाई एच का मल्टीप्लाई करेंगे तो एच के साथ एन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और वन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, होगा नहीं होगा, तो इसलिए एच आ गया। ठीक है बेटा, इसकी जगह अपॉन में टू। ठीक है बेटा, अब जो एन एच की जो वैल्यू थी वो हमारी कितनी थी बेटा, थ्री, कितनी थी थ्री। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, एन एच की जगह थ्री, तो ये थ्री थ्री माइनस एच और ये हो जाएगा थ्री, थ्री टू जा सिक्स माइनस एच अपॉन सिक्स प्लस थ्री और थ्री माइनस एच अपॉन टू। ठीक है बेटा, अब देखिए लिमिट एच टेंस टू क्या है, जीरो, तो एच की जगह पर रखेंगे हम जीरो, तो थ्री और थ्री में से जीरो जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, थ्री और सिक्स में से जीरो जाएगा तो बचेगा सिक्स, अपॉन में क्या आ जाएगा सिक्स प्लस। अब थ्री और थ्री में से जो एच की वैल्यू जीरो है, थ्री में से जीरो जाएगा तो क्या बचेगा, थ्री अपॉन टू। अब बेटा देखिए सिक्स से सिक्स कटेगा, थ्री थ्री जा नाइन प्लस थ्री थ्री जा नाइन अपॉन टू। अब देखिए टू नाइन जा एट्टीन, एट्टीन और नाइन हो जाएगा ट्वेंटी सेवन अपॉन टू। यही बेटा हमारा आंसर आता है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर, क्वेश्चन नंबर फाइव, देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा लिमिट माइनस वन टू वन ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, अब देखिए इसको, इस वाले प्रश्न को किस प्रकार करेंगे। देखिए ए इक्वल टू माइनस वन, बी इक्वल टू वन, यहाँ से हम एन एच की वैल्यू निकालेंगे, एन एच इक्वल टू क्या होता है बी माइनस ए, बी का मान है वन माइनस और ए की वैल्यू माइनस वन है तो ये प्लस वन हो जाएगा, तो एन एच इक्वल टू आता है बेटा हमारा टू, एन एच इक्वल टू क्या आता है हमारा बेटा टू। अब देखिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या, हमारा फंक्शन, फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू है ई की पावर एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या बेटा ई की पावर एक्स। तो अब ये एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा ई की पावर ए हो जाएगा, अब एफ ऑफ ए प्लस एच निकालेंगे तो ई की पावर ए प्लस एच हो जाएगा। अब देखिए अब ई की पावर एक्स है ना, e की पावर a, तो e की पावर a की वैल्यू है माइनस वन, अब देखिए e की पावर a, e की वैल्यू माइनस वन प्लस h, इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं e की पावर h माइनस वन। ठीक है,
अब देखिए एफ ऑफ ए प्लस टू एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच तो ये हो जाएगा e की पावर a प्लस टू एच, तो e की पावर, e की वैल्यू क्या है हमारी माइनस वन प्लस के टू एच, या इसे इस प्रकार कह सकते हैं e की पावर टू एच माइनस वन। अब f ऑफ a प्लस एन माइनस वन इन टू एच, अब देखिए e की पावर a प्लस एन माइनस वन इन टू एच, अब देखिए e की पावर, a की वैल्यू क्या हमारी माइनस वन प्लस एन माइनस वन इन टू एच। ठीक है बेटा, अब हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, किसकी तरफ बेटा, क्वेश्चन की तरफ। माइनस वन वन ई की पावर एक्स डी एक्स इजिकल टू, डी एक्स इजिकल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एच एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच डॉट 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 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है, अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या हमारी बेटा ई की पावर माइनस वन, ई की पावर माइनस वन। अब देखिए ए प्लस एच की क्या बेटा, ई की पावर एच माइनस वन, ये क्या है ई की पावर टू एच माइनस वन प्लस डॉट 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 ई की पावर माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है बेटा, अब देखिए अब इसे किस प्रकार करेंगे, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच ई की पावर माइनस वन प्लस इसे ई की पावर एच इंटू ई की पावर माइनस वन कह सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का बेस समान है तो इसे हम अलग भी कर सकते हैं। अब देखिए ई की पावर इसे टू एच इंटू ई की पावर माइनस वन कह सकते हैं ना, प्लस डॉट 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 इसे ई की पावर माइनस वन इंटू ई की पावर एन माइनस वन इंटू एच कर सकते हैं ना। ठीक है बेटा, अब देखिए अब हम इसे किस प्रकार करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच ई की पावर माइनस वन कॉमन लेते हैं बेटा, तो क्या बचेगा यहाँ, क्या बचेगा वन, यहाँ बचेगा ई की पावर एच, यहाँ बचेगा ई की पावर टू एच प्लस डॉट 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 ई की पावर एन माइनस वन इंटू एच, ये बचेगा बेटा। ठीक है, अब देखिए अब हम इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए ई की पावर माइनस वन तो सही है लेकिन यहाँ बन रही है ये जीपी, जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, तो जो सम वाला फॉर्मूला है उसे हम यहाँ पर अप्लाइड करेंगे, तो ए इजिकल टू क्या होता है हमारा वन बन रहा है इस सीरीज के लिए बेटा, ए इजिकल टू वन, आर इजिकल टू ई की पावर एच अपॉन वन, तो हम कह सकते हैं आर इजिकल टू ई की पावर एच। ठीक है बेटा, अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, अब ई की पावर माइनस वन, अब देखिए सम वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जो सम वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है, चलो एक बार इसमें फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, ए की पावर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एच ई की पावर माइनस वन, ए क्या बेटा हमारा वन इंटू आर की पावर एन, आर क्या हमारा ई की पावर एच की पावर, और यहाँ एन क्या है, एन हमारी बेटा एन माइनस वन, एन माइनस वन माइनस देख आर की पावर, ये हो गया आर क्या हमारी ई की पावर एच, और एन क्या हमारी एन माइनस वन, और ये पीछे माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, आर क्या बेटा ई की पावर एच माइनस वन। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो और एच, अब देखिए ई की पावर माइनस वन, वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, अब ई की पावर एच की पावर एन माइनस वन है ना, तो ई की पावर एच की पावर एन अलग लिख देंगे और ई की पावर एच की पावर माइनस वन अलग लिख देंगे, भाई ई की पावर एच, ई की पावर एच दोनों के एन माइनस वन हो जाएगा। अब माइनस के वन, माइनस के वन अपॉन
ई की पावर एच माइनस वन, ई की पावर एच माइनस वन। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच का भीतर मल्टीप्लाई करते हैं, एच का भीतर मल्टीप्लाई करते हैं तो ई की पावर माइनस वन इंटू ये वाली एच आ गई बेटा, ये वाली एच ई की पावर माइनस वन इंटू एच ये आ गई। अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर एच एन, ई की पावर एच एन इंटू ई की पावर, ई की पावर माइनस एच, ई की पावर माइनस एच माइनस वन, ठीक है, अपॉन ई की पावर एच माइनस वन, ई की पावर एच माइनस वन। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो ई की पावर माइनस वन, अब देखिए एच अपॉन ई की पावर एच माइनस वन इंटू एच, भाई ई की पावर माइनस वन ये आ गया, एच अपॉन ई की पावर एच माइनस वन ये आ गया, बचा क्या ये ब्रैकेट में ई की पावर एच एन, एच एन इंटू या ऐसे ही चलने दो, ई की पावर एच माइनस एच एन है ना, ई की पावर माइनस एच कर लो, दोनों का भी समान है, ई की पावर एच एन माइनस एच माइनस वन, ठीक है। ये मैंने भाई एक अलग अलग किए थे ना, ई की पावर एच एन माइनस इंटू ई की पावर माइनस एच, अब यहाँ एक ही में कर दिए लेकिन माइनस कर दिया, क्योंकि माइनस था तो माइनस कर दिया, ठीक है। अब लिमिट रखते हैं, एच टेंस टू क्या है जीरो, तो देखिए ई की पावर माइनस वन, ई की पावर माइनस वन ही रहेगा, इंटू एच टेंस टू जीरो है और क्या है एच अपॉन ई की पावर एच माइनस वन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा वन, क्या हो जाएगी वन, ठीक है बेटा। अब देखिए ई की पावर एच एन, ई की पावर एच एन और एच एन की वैल्यू क्या थी हमारी बेटा टू, क्या थी बेटा टू, देखिए ई की पावर माइनस वन था ये आ गया, इसकी जो वैल्यू है ये, इसकी वैल्यू वन हो गई, मल्टीप्लाई ई की पावर एच एन या एन एच, इसकी वैल्यू हो गई टू माइनस, और ये एच है ना एच, और एच की वैल्यू क्या बेटा हमारी लिमिट दर रख रहे हैं तो ये हो जाएगी जीरो, ठीक है, और माइनस वन। अब देखिए ई की पावर माइनस वन का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ई की पावर माइनस वन ही होगा इनटू, अब ये बचेगा टू में से जीरो जाएगा तो ये क्या बचेगा टू और माइनस वन, माइनस वन, ठीक है। अब देखिए ई की पावर माइनस वन है तो इसे हम कह सकते हैं वन अपॉन ई, वन अपॉन ई और ई की पावर टू माइनस वन। अब देखिए वन अपॉन ई का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन ई, ई स्क्वायर अपॉन ई माइनस वन अपॉन ई, और ये ई से ये ई कट जाएगा तो बचेगा क्या ई माइनस वन अपॉन ई। अब देखिए ई माइनस ई को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस के वन, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि ई की पावर माइनस वन, ई की पावर एच एन, एच एन और ई की पावर एच माइनस वन, मैंने थोड़ा सा इसका अलग अलग कर दिया है लेकिन आप एक साथ ही रखना, ई की पावर एच की पावर एन है, ई की पावर एच की पावर माइनस वन है, दोनों को एक साथ ही रखना, ई की पावर एच एन माइनस एच, देखो मैंने यहाँ किया है, यहाँ किया है ना एच एन माइनस एच, तो आप शुरू से ही करोगे फिर भी आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ, देखिए बेटा ये क्वेश्चन, देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर क्या बेटा जीरो टू फोर, जीरो टू फोर ई की पावर टू एक्स प्लस एक्स डी एक्स, ये इसमें ए इक्वल टू क्या है जीरो, बी इक्वल टू क्या है फोर, एन एच बराबर क्या होता है बी माइनस ए, तो एन एच बराबर फोर माइनस जीरो, तो एन एच की वैल्यू क्या आ गई बेटा फोर, एन एच की वैल्यू क्या आ गई फोर। अब देखिए हमारा जो फंक्शन है वो है ई की पावर टू एक्स प्लस एक्स, यहाँ से एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे तो ई की पावर टू ए प्लस ए, और ए की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू क्या हमारी जीरो, तो ई की पावर ये जीरो हो जाएगा, तो ई की पावर जीरो का मतलब वन, और वन में ए का मान जीरो और वन में जीरो जोड़ेंगे तो वन हो जाएगा। एफ ऑफ ए हम निकालते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच,
एफ ऑफ ए प्लस एच। देखिए ये क्या हो जाएगा, ई टू ए प्लस एच प्लस ए प्लस एच। अब देखिए ई की जगह पर क्या रख देंगे, जीरो, तो ये जाएगा ई की पावर टू एच, और ई की जगह पर जीरो रख देंगे, ये हो जाएगा एच। ठीक है, अब ए ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ई की पावर टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच प्लस ए ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब देखिए ई की पावर टू ए की जगह वन रख देंगे, ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू एच प्लस ए की जगह पर जीरो रख देंगे, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है बेटा, अब जो क्वेश्चन है वो है हमारा जीरो टू फोर ई की पावर टू एक्स प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस डॉट 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 एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है, अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एच एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या हमारी वन, क्या बेटा वन। अब आते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच, ये हो जाएगा ई की पावर टू एच प्लस एच। ठीक है, इसी प्रकार आते जाएंगे, ये हो जाएगा, अब जो लास्ट टर्म आएगा ई की पावर टू एन माइनस वन इंटू एच प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एच एच प्लस टू एच प्लस थ्री एच, ये आता जाएगा, तो एच कॉमन लेते हैं, वन प्लस टू प्लस थ्री और डॉट 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 एन माइनस वन प्लस ये आएगा वन ई की पावर टू एच प्लस ई की पावर फोर एच प्लस डॉट 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 ई की पावर टू और एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है बेटा, अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एच एच, ये हो जाएगा एन एन माइनस वन अपॉन टू प्लस वन, प्लस वन नहीं, यहाँ सम वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, सम वाला फॉर्मूला ए इंटू आर की पावर, आर क्या हमारी ई की पावर टू एच की पावर एन माइनस ए की पावर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, ये हो जाएगा एच एन और एन माइनस वन अपॉन टू प्लस, ये हो जाएगा ई की पावर टू एच एन माइनस वन अपॉन टू एच माइनस वन। अब देखिए एच का भीतर मल्टीप्लाई करते हैं, एच का क्या करते हैं भीतर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जाएगा एच एन, तो यही इस एच का इसके ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा एन एच माइनस एच अपॉन टू एन एच प्लस प्लस, अब ये एच का इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो एच इंटू टू की पावर ई की पावर टू एच एन माइनस वन अपॉन ई की पावर टू एच माइनस वन। अब देखिए जो एन एच की जो वैल्यू थी वो थी हमारी फोर। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एच एन की वैल्यू क्या, फोर, तो फोर और फोर माइनस एच अपॉन टू प्लस एच इंटू ई की पावर टू और एच एन, एच एन की वैल्यू फोर और फोर टू जाके कितना हो जाएगा बेटा एट माइनस वन अपॉन ई की पावर टू एच माइनस वन, टू एच माइनस वन। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो फोर और फोर माइनस एच अपॉन टू प्लस एच अपॉन ई की पावर टू एच माइनस वन इंटू ई की पावर एट माइनस वन। अब देखिए इसमें टू का मल्टीप्लाई कर दो
और 2 से ही बेटा डिवाइड कर दो। ठीक है, अब देखिए लिमिट जो h टेंस टू 0 है वो हो जाएगा 2h अपॉन e की पावर 2h माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। अब देखिए लिमिट्स में पुट अप करते हैं, लिमिट्स में h टेंस टू क्या रखते हैं 0, तो 4 माइनस 0 अपॉन 2 प्लस ये हो गया 1 अपॉन 2, ये 2h अपॉन e की पावर 2h माइनस 1, 2h अपॉन e की पावर 2h माइनस 1 इसकी जगह क्या रख देंगे बेटा 1 इंटू e की पावर 8 माइनस 1। अब देखिए अब क्या करेंगे, 4 में से 4 जाएंगे तो 4 जा 16 अपॉन 2 प्लस अब ये हो जाएगा e की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2, e की पावर 8 अपॉन 2, इसमें से 2 एलसीएम लेते हैं तो 16 प्लस e की पावर 8 माइनस 1 तो e की पावर 8 और 16 में से बेटा 1 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 15 अपॉन 2, यही हमारा बेटा आंसर हो जाएगा e की पावर 8 प्लस 15 अपॉन 2। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में टोटल 6 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद जय भारत।